मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। गांव भी मुस्लिम बाहुल्य हो चुके हैं। जहां कभी हर छत के नीचे हिंदुओं का डेरा हुआ करता था, अब इस डेमोग्राफी चेंज पर सीएम धामी भी अलर्ट हो चुके हैं। उन्होंने ना सिर्फ मुस्लिमों की बढ़ती तादाद पर चिंता जाहिर की है, बल्कि साफ और सख्त संदेश भी दिया है। देवभूमि उत्तराखंड, जहां पर्वतों पर देवता वास करते हैं, जहां की घाटियां भी देवी देवताओं का घर है, जहां पवित्र चार धाम यात्रा भारत में सबसे लोकप्रिय हिंदू तीर्थ यात्राओं में से एक है, उस देवभूमि का डेमोग्राफी तेजी से बदल रहा है। देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर बिगड़ना नहीं चाहिए। अब उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज पर मुख्यमंत्री धामी ने भी चिंता जाहिर की है और साफ कर दिया है कि इस प्रकार के डेमोग्राफिक चेंज को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर बिगड़ना नहीं चाहिए, उसको लेकर हम प्रतिबद्ध भी हैं, हमारा संकल्प है। इसीलिए हम यहाँ पर डेमोग्राफिक जो चेंज की लगातार आप सब लोगों के द्वारा भी अन्य माध्यमों से भी पता होता है, उस पर वेरिफिकेशन ड्राइव चलेगी और पुलिस और हमारा गृह मंत्रालय इस पर संयुक्त रूप से काम करेगा। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज के जो आंकड़े आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। हिंदू बाहुल्य 28 गांव मुस्लिम बाहुल्य हो गए। सहसपुर के एक बूथ पर 1155 वोटर में 905 मुस्लिम हैं। सहसपुर के दूसरे बूथ पर 1000 में 795 मुस्लिम वोटर। 70 में 15 सीटों पर निर्णायक भूमिका में मुस्लिम वोटर्स हैं। कुछ विधानसभाओं में 30% तक मुस्लिम आबादी पहुंच चुकी है। देवभूमि के ये आंकड़े यूं ही नहीं बदल गए, बल्कि इसके पीछे बड़ी साजिश है। चार जिलों की बात करूंगा, मैदानी जिलों की, जो यूपी से जुड़े हुए हैं। उधम सिंह नगर है, देहरादून है, हरिद्वार है और नैनीताल जिले हैं। इन चार जिलों में मुस्लिम पॉपुलेशन, अगर आप आंकड़े देखेंगे, 2011 के बाद से एक तेजी से बढ़ा है। इन चारों जिलों में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी हो चुकी है। ये वोटर लिस्ट भी कहती है और जनसंख्या के आंकड़े भी कहते हैं। हमने उन्हीं आंकड़ों के आधार पर ये एक तस्वीर सामने रखी है कि जो हरिद्वार है, हरिद्वार में मुस्लिम पॉपुलेशन कुंभ क्षेत्र को अगर छोड़ दिया जाए तो वहां पर 35-36% है। ये एक सामरिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा स्टेट, बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, क्योंकि हम चाइना से घिरे हुए हैं, उधर से नेपाल से घिरे हुए हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं। और जहां तक डेमोग्राफी की बात है, यस, उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो सनातन का मुकुट है और सनातन, यहां से सनातन के रक्षा के लिए यहां की जो आपकी जो इकोलॉजी है, यहां का जो पर्यावरण है, उसकी सबसे पहले रक्षा होनी चाहिए। जिस तरह उत्तराखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद की खबरें सामने आई, मस्जिद, मदरसे, मजार बिना सरकारी परमिशन के अवैध रूप से बनाए गए और खास मकसद से खास वर्गों की घुसपैठ कराई गई, वो देवभूमि के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट।